चेहरे और हाथों को तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन पाँव हम भूल जाते हैं। तो आज हम पाँव को करेंगे अंडे जैसा गोरा चिट्टा। तो वीडियो को फुल वॉच करें। हम घर पे किस तरह आसानी के साथ मैनीक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं। महंगे महंगे पार्लर में मत जाएं, घर पे मैनीक्योर और पेडिक्योर करें और अपने पाँव को चिट्टा गोरा अंडे जैसा करें। वेलकम टू माय चैनल अनिलास किचन हैक्स। तो आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए जो टिप लाई हूँ बहुत ही लाजवाब और शानदार किस्म की है। सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से अगर आपके पाँव काले पीले हो गए हैं तो हम अपने पाँव को किस तरह साफ सुथरा और अंडे की तरह सफेद करेंगे, आज की रेमेडी आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। कोई भी बॉडी लोशन या शैम्पू ले लें 1 टेबल स्पून के जितना। इसमें डालेंगे 1 पिंच हल्दी का। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ठंड की वजह से और जब हम नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, तो हमारे पांव ठंडे होते हैं और फिर जल्दी गर्म नहीं होते ठंड की वजह से। गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है आजकल, तो हमारे पांव की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डल और खुश्क हो जाती है। तो आज हम अपने पांव को कैसे चिट्टा गोरा करेंगे, आज की रेमेडी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपने पाँव को कैसे अंडे जैसा सफेद और गोरा करेंगे। तो इसको अप्लाई करने का इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे जिससे हमारे पाँव बिल्कुल अंडे जैसे व्हाइट हो जाएंगे। तो अब एक लेमन लेंगे और ये जो हमने रेमेडी बनाई है इसको अपने पाँव लेमन की जो लेमन के साथ सारे अपने इस मिक्सचर को अपने पाँव पे इस तरह रैप कर लेंगे। बहुत कमाल की रेमेडी है जिससे हमारे पाँव एकदम चिट्टे गोरे अंडे जैसे हो जाएंगे। ये आप हफ्ते में 2 दफा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपके पाँव चमकने लगेंगे। इस तरह पूरे पाँव पे आप इस मिक्सचर को रैप कर दें लेमन की वजह से, लेमन के साथ लगा के, और अपनी एड़ियों को जो ठंड और सर्दी की वजह से और फट जाती हैं और अजीब सी हो जाती है, इस तरह लगा के अब इसी तरह हम अपने दूसरे पाँव पे भी ये मिक्सचर लेमन के साथ अप्लाई कर लेंगे। और इसको लगा के कम से कम 10 मिनट इसी तरह रहने दें। हफ्ते में 2 दफा ये रेमेडी आप अपने पाँव पे, अपने हाथों पे, अपने स्किन पे अप्लाई करें तो इंशाल्लाह इसका फर्क आप खुद महसूस करेंगे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी आज वाली रेमेडी कैसी लगी। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो लेमन को आप स्किप भी कर सकते हैं। लेमन की जगह आप इसको किसी भी ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से भी आप अपने पाँव हाथों पे इस मिक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह अच्छे से पूरे पाँव पे आप इसको लगा के 10 मिनट छोड़ दें। अब जो अगली चीज है जिसे हम इसको और मजीद बेहतर करेंगे, टमाटर को काट लें। और टमाटर के फायदे आप तो को पता है, इसमें क्या चीज़ होती है और इसका क्या रिजल्ट होता है। तो इसके साथ आप इस तरह 1 मिनट पहले लीमू से और फिर टमाटर के साथ अपने इस मिक्सचर को टमाटर के साथ टैप करें और
ये आपको रिजल्ट अभी से नजर आ रहा होगा कि मेरा पाँव अभी से इतना गोरा हो रहा है। अभी मैंने इसको वॉश भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इस तरह पूरे टमाटर को आप अपने पूरे पाँव पे इस तरह करके लगाएं। इसी तरह दूसरे पाँव पे भी अप्लाई कर लेंगे हम। थोड़े से शैम्पू से और एक चुटकी हल्दी से अपने पाँव को चिट्टा गोरा करें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और छोटा सा कमेंट्स कर दें, जिससे आपके प्यार के सपोर्ट का प्यार और सपोर्ट का हमें पता चलता है और आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। अगर आप 10 मिनट लगा के अपने पाँव को 10 मिनट के लिए रहने दें और जब ये मिक्सचर सही से आपके पाँव में जज़ब हो जाए, 10 मिनट बाद आप नीम गर्म पानी के साथ इसको वॉश कर लें और इसका रिजल्ट आप देख के हैरान हो जाएंगे। इसी के साथ है ना मज़ेदार किस्म की ये टिप। ईद से पहले अपने हाथों पाँव को और अपनी स्किन को चिट्टा गोरा करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की मेरी ये रेमेडी और ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दिया करें यार, इतना तो हमारा हक बनता है कि आप छोटा सा लाइक और छोटा सा एक बटन ही क्लिक करना पड़ता है और आपके सब्सक्राइब से हमें आपके सपोर्ट और प्यार का पता चलता है। तो इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे किसी नई सी अच्छी सी यूनिक सी टिप के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।